और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया है। आपको बता दें कि राज्यपाल एनएन वोहरा ने कल की थी राष्ट्रपति से इस बाबत सिफारिश, क्योंकि अभी तक कोई भी दल क्योंकि बहुमत में नहीं था, सरकार नहीं बन पाई थी, इसलिए राज्यपाल ने सिफारिश की थी राष्ट्रपति से। और अब ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लग गया है। आपको बता दें, इससे पहले ओमर अब्दुल्ला ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि वो कार्यवाहक मुख्यमंत्री यानी केयर टेकर सीएम बनके नहीं रहना चाहते हैं। पीडीपी और बीजेपी में अभी तक सरकार बनाने को लेकर कोई बेकथू नहीं, और नतीजा ये क्योंकि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, राज्यपाल ने बाकायदा अपनी एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजी थी, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लग गया है। यानी कि कुल मिलाकर अब ये मामला टलता हुआ नजर आ रहा है सरकार बनाने का। जम्मू कश्मीर में स्थायी सरकार अब दूर की कौड़ी नजर यहां पर आ रही है। 23 दिसंबर को बाकायदा काउंटिंग हुई थी 87 सीटों की, लेकिन बहुमत का आंकड़ा ना तो पीडीपी के पास था ना बीजेपी के पास था। पीडीपी हालांकि सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी, और कल राज्यपाल एनएन वोहरा ने बाकायदा राष्ट्रपति शासन की सिफारिश की थी। चलिए अगली बड़ी